अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन आवर प्रीवियस लेसन वी रेड आवर चैप्टर नंबर 3 कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस। इट्स रिव्यू इज़ ऑन पेज नंबर 27। कॉमन नाउंस और प्रॉपर नाउंस के बारे में हमने पढ़ा था। कॉमन नाउंस क्या होते हैं? वो नाउंस जो किसी भी बंदे का, जगह का, जानवर का या किसी भी चीज़ का नाम हो जनरल, और किसी भी पीपल प्लेस एनिमल और थिंग का स्पेशल नेम जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होगा। कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको इंक्लूड करके दी गई थी, ये आपने मेमोराइज़ करने हैं कि ये चीज़ें हमेशा जो हैं स्पेशल नेम्स हैं ये, और ये प्रॉपर नाउन्स हैं। आई होप यू पीपल हैव डन योर होमवर्क। आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा। नाउ अज्यूमिंग दैट लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 कलेक्टिव नाउन्स। इट्स ऑन पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 कलेक्टिव नाउन्स चैप्टर नंबर 4। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन जो हैं रेफ़र कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल और थिंग्स, लोगों, जानवरों या किसी भी और चीज़ का ग्रुप। ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चलता है कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, कि वो जो लोग हैं या जानवर हैं या जो चीज़ है वो एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है। मतलब एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन कितने वो एक काउंट नहीं दिया जाता। ऐसे वर्ड्स जो कि एक ग्रुप को रेफ़र कर रहे हों, कलेक्टिव पीपल, कलेक्टिव एनिमल्स या कलेक्टिव किसी भी थिंग्स को, कलेक्टिव थिंग्स, कलेक्टिव एनिमल्स और कलेक्टिव पीपल, मतलब इकट्ठे लोग, इकट्ठे हुए हुए जानवर या इकट्ठी पड़ी हुई चीज़ों को जो रेफ़र करता है वर्ड, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ग्रुप जो वर्ड है इट्सेल्फ इज़ अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये भी लोगों का मजमूआ या चीज़ों का इकट्ठे हुए हुए को डिफ़ाइन कर रहा है हमें। ग्रुप ऑफ पीपल अगर सिर्फ लिखा हो तो इस वर्ड फ्रेज में भी ग्रुप जो है कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि ये इट्सेल्फ जो है रेफ़र कर रहा है कलेक्टिवनेस को, कलेक्टिवनेस ऑफ पीपल। ऐसे वर्ड्स जो के ग्रुप को या कलेक्टिव किसी भी चीज़, जानवरों या लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, रेफ़र कर रहा हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का बैंड। अब जो वर्ड्स हैं जैसे बैंड, ब्रूड, सेट, बंच, इन सब वर्ड्स का जो मीनिंग है वो एक ही तरह का होगा डिक्शनरीज में, सिनोनिम्स भी और मीनिंग्स भी सब। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स या ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ चिकन्स और ग्रुप ऑफ टूल्स, अगर आप इसका सिनोनिम सर्च करोगे तो। और इसका उर्दू मीनिंग भी जत्था, गुत्था या मजमूआ, इस तरह के मीनिंग्स हैं। हर वर्ड का मिलता जुलता मीनिंग है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड्स जो हैं, जिस तरह उर्दू में हम हर चीज़ के साथ मुख्तलिफ तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में सेम तरीके से अलग वर्ड जो है अलग चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे बंच ऑफ म्यूजिशियंस नहीं हो सकता, इसी तरह बैंड ऑफ ग्रेप्स नहीं हो सकता, जबकि बैंड का मतलब भी ग्रुप है, बंच भी जो है ग्रुप को शो कर रहा है। इसीलिए सिर्फ ये चीज़ जो है थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन सा जो कलेक्टिव नाउन है वो किसके साथ स्टेबल है और कहाँ लगाना चाहिए। नाउ हेयर आर सम एग्जांपल्स गिवन, मैनी ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन टू यू पीपल, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स एंड caterpillars, a bale of words, a bale of cloth, bale कहते हैं गठड़ी को, a band of men, a basket of fruits। अब basket जो है, हमें पता है कि basket में
कलेक्टिव फ्रूट पढ़े हैं, इसीलिए बास्केट जो वर्ड है यहाँ पर एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़। अब बेड जो है सिर्फ रेफरेंस दी गई है, उसको रिलेट किया गया है, बेड बना नहीं हुआ रोजेज़ का। बेड ऑफ रोजेज़ ऐसे बिछे हुए हैं, जैसे बेड बिछा हुआ होता है ना रूम में, वैसे रोजेज़ बिछे हुए हैं, तो उसको रेफर किया गया है बेड के साथ। बेबी ऑफ ब्यूटीज़, ये भी कलेक्टिव नाउन। बुके ऑफ फ्लावर्स, ब्रूड ऑफ हेंस, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, कॉरस ऑफ एंजल्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लंप, क्लच, कॉलोनी, क्रू, क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, फ्लीट, फ्लाइट, फ्लॉक, गैगल ऑफ गीज। गैगल भी ग्रुप या झुरमट को कहते हैं। गीज और टर्कीज जो हैं टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं। गीज बतख के तरह के होते हैं और टर्कीज थोड़ा सा चिकन और उससे चिकन और डक दोनों से थोड़ा सा मिलते जुलते होते हैं। यू पीपल कैन गूगल इट ऑल्सो। गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स, रॉबर्स और थीव्स चोर और डाकू। रॉबर्स डाकू होते हैं, थीव्स चोर होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, सी ग्रुप इट्सेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन। हीप, हर्ड, होस्ट, हीप कहते हैं ढेर को। लाइब्रेरी, लिटर, पैक, पेयर। पेयर जो है वो इट्सेल्फ दो को शो कर रहा होता है, जैसे हमारे जो सॉक्स हैं उनका पेयर होता है, शूज़ का पेयर होता है, इयररिंग्स का पेयर होता है, इसी तरह पेयर इज़ कलेक्टिव नाउन। इस वजह से पेयर जो है कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि वो दो को शो कर रहा है। पॉसी, पॉसी ऑफ पुलिसमैन, प्राइड, शॉल, शॉल, सी, सेट, शीफ, स्टाफ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्वार्म, टीम, ट्रूप, ट्रूप, दोनों वर्ड्स एक ही तरह से पढ़े जाएंगे। दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है, बोलने का तरीका एक ही है, लेकिन मीनिंग्स थोड़े से डिफरेंट है। जो ये ट्रूप है वो परफॉर्मेंस परफॉर्मर्स, डांसर्स या एक्रोबैट्स जो हैं अदाकार, उनके जत्थे के लिए, ग्रुप के लिए यूज़ होता है, जबकि ट्रूप जो है वो और डिफरेंट तरह से, जैसे यहाँ पर मंकीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। नाउ व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज़ डू एक्सरसाइज नंबर 8। लकीली यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है कलेक्टिव नाउन्स की, सो आई विल सॉल्व ओनली 2 फॉर यू। Let's see this one. The police caught the whole dash of pickpockets. जितने भी आपके आपको blanks दिए गए हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके इस सेट में से दिए गए हैं, इस सेट में से और इस सेट में से। You people have to go through these. आप लोगों को ये अच्छी तरह पढ़ने हैं और इसमें से आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो। Kindly answers पहले ना देखा करो आप लोग, पहले आप लोग ख़ुद से सॉल्व करो, उसके बाद चाहे रीचेक करना चाहो तो कर लो। देख कर करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा और आएगा कैसे फिर, इसलिए लेट्स स्टार्ट इट। द पुलिसमैन कॉट द होल डैश ऑफ पिक पॉकेट्स। अब पिक पॉकेट्स जो होते हैं वो चोर होते हैं, चुराने वाले। अब यहाँ पर हमने चोर और डाकू वाली एग्जांपल पढ़ी थी, यहाँ इनके साथ वर्ड मिलता जुलता है, सो वी कैन यूज़ दिस वर्ड। यू सिंपली हैव टू राइट गैंग और काइंडली यूज़ पेंसिल्स, ओनली यूज़ पेंसिल्स ऑन योर बुक्स, वेदर टू अंडरलाइन और फिल द ब्लैंक्स। सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है अपने बुक्स पे, चाहे आप लोगों ने अंडरलाइनिंग करनी हो या ब्लैंक्स फिल करने हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन, दिस डैश ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स भी डायरेक्टली इधर यूज़ हुए हैं, हेयर ग्रेप्स के साथ बंच।
नाउ यू हैव टू जस्ट टेली द ब्लैंक्स और अपनी वोकेबलरी के साथ आप लोगों ने इनको फिल करना है. सिर्फ टेली करो जहाँ से भूलता है कि आप लोगों को लगता है कि कौन सा रिजेंबल करें इस वर्ड के साथ. ये वाला कलेक्टिव नाउन आना चाहिए. अब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी थी, क्या के वो ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स को रेफर कर रहा होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग जानवर या चीज़ें पड़ी हुई हों. ऐसी चीज़ों को जो रेफ़र करने के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. अब आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8 जो है पेज नंबर 31 पे एज ए होमवर्क करनी है. और मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर एंड रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वन. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स. अल्लाह हाफिज़.